जब इस प्रकृति की सृष्टि हुई तब इस संसार में सभी लोगों के लिए एक सुखमय और संपन्न जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन और संपदा थी। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि आज के इस प्रतियोगिता से भरे हुए युग में एक सफल, सुखी और संतुष्ट जीवन केवल धनी लोग ही जी सकते हैं, जैसे सफल खिलाड़ी, अभिनेता अभिनेत्रियां, राजनेता या फिर व्यापारी। इनका जीवन खुशियों से भरा रहता है। लेकिन हम जैसे आम लोगों का जीवन रोजमर्रा की अति आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश में गुजर जाता है और हम अपने सपनों को खोकर एक कॉम्प्रोमाइज्ड जीवन जीने लगते हैं। इस परिस्थिति में अगर हम देखें कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कोई व्यक्ति केवल सही दिशा में ईमानदारी से मेहनत कर संसार के सभी सुखों को अनुभव कर सकता है, तो हमें निराशाजनक जवाब ही मिलता है। लेकिन हाँ, इसे हासिल करने के लिए एक रास्ता है जो हमारे लिए आशा की किरण है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इस अद्भुत बिजनेस मॉडल को सबसे पहले सन 1930 में डॉक्टर कार्ल रनबर्ग ने अपने द्वारा तैयार किए कुछ नए फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स को अपने ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग के परंपरागत तरीकों के बदले इस नए तरीके से कोशिश की। इस प्रकार बिजनेस करने का ये नया तरीका सबसे पहले यूएसए में प्रारंभ हुआ और कुछ कंपनियों ने इस नए तरीके के मार्केटिंग को अपनाते हुए अपने कुछ चुनिंदा क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अपने ग्राहकों तक सीधा पहुंचाया। उन प्रोडक्ट्स से संतुष्ट ग्राहकों ने इनका विज्ञापन खुद करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इंट्रोड्यूस किया। व्यापार करने के इस नए तरीके के इस्तेमाल से इससे जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनकी अपेक्षा से अधिक लाभ मिला और दुनिया को एक नया बिजनेस मॉडल मिल गया। उदाहरण के लिए एक साधारण पेंटर इस बिजनेस के तरीके से आज एक ऐसा आनंदमय जीवन जी रहा है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक साधारण वेल्डर अपने परिवार के साथ सभी सुखों का आनंद उठा रहा है। केवल यही नहीं, बहुत सारे अन्य लोग भी इस व्यापार में कामयाब हुए हैं। आज व्यापार का यह तरीका पिछले 85 सालों से करीब 165 देशों में सफलतापूर्वक रूप से चल रहा है और इसका कुल वाणिज्य लाखों करोड़ों में पहुंच गया है। इस बिजनेस मॉडल के द्वारा हर साल पूरी दुनिया भर में अनेक लोग लखपति बन रहे हैं, और इसकी खासियत यह है कि इसमें अधिकतर महिलाएं हैं। यह बिजनेस मॉडल अस्तित्व में आने के लगभग 50 सालों के बाद भारत में पहली बार सन 1996 में प्रवेश हुआ। शुरुआत के समय में भारतीयों ने बड़ी आशा की दृष्टि से इसे देखा। जब कुछ भारतीय और बहुदेशीय कंपनियों ने इसे भारत में शुरू किया तो कई लोग इस व्यापार से इस आशा के साथ जुड़े कि उनके जीवन में बहार आ जाएगी। भले ही इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन उनकी कीमतें अधिक होने के कारण साधारण लोग उन्हें खरीदकर निरंतर उपयोग नहीं कर सकते थे और उनका टारगेट अधिक होता था। जब लोग इसमें सफल नहीं हो पाए तो उनमें निराशा छा गई। इस दौरान कुछ स्वार्थी कंपनियों में गलत मंशा से इन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए बिना किसी व्यवहार्य प्रोडक्ट्स के कहा कि सिर्फ लोगों को जोड़ना काफी है और सिर्फ पैसों के आधार पर इस व्यापार में पैसों के उलटफेर से लोगों के मन में लालच पैदा की कि वे कम समय में धनवान बन सकते हैं। लोग भी उन पर विश्वास कर इन स्कीम में जुड़े, लेकिन जब वे असफल हुए तो अपने को ठगा महसूस किया। प्रोडक्ट्स पर आधारित व्यापार में भी लोगों ने अपने न छू पाने वाले ऊंचे टारगेट को पूरा करने के लिए बिना चाहे और बिना आवश्यकता के महंगे प्रोडक्ट्स को खरीदकर निवेश किया और उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा। इन सब नकारात्मक बातों के कारण नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा खासा नाम बदनाम हो गया। आर्थिक विशेषज्ञ 2000 से 2008 के समय को नेटवर्क मार्केटिंग का काला काल कहते हैं। निराशा से भरे अंधकार के इस काल में सन 2004 में सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 2 ऑफिस के साथ एक भारतीय कंपनी का बिना किसी शोरगुल के उदय हुआ, और वो है अपना वेस्टेज। इस कंपनी में जब कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़ता है तो ज्वाइनिंग के लिए कोई फीस नहीं, नो रिन्यूअल और एक अद्भुत क्यूमुलेटिव स्कीम जो उनके मासिक बिजनेस पर आधारित है।
और नियम इतने सरल और स्पष्ट कि एक सामान्य व्यक्ति भी पूरी तरह सफल हो सकता है। तब बड़ी कंपनियों ने इसे तुच्छ दृष्टि से एक छोटे से जुगनू की तरह देखा। लेकिन इस संगठन के प्रमुख श्री गौतम बालीजी के इस क्षेत्र में अपना 19 सालों का तजुर्बा, दूरगामी और स्पष्ट दृष्टि, डिस्ट्रीब्यूटर्स की सफलता पर केंद्रित बिजनेस स्कीम्स, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स कम कीमतों में जिसे सामान्य व्यक्ति भी निरंतर खरीद कर उपयोग कर सके, और अपने बेहिचक और सटीक निर्णयों और अड़चनों को पार करने की क्षमता से, जैसा कि कहावत है, बीज बोने वाला सो सकता है लेकिन बीज नहीं, ठीक वैसे ही 5 सालों के कम समय में ही बड़ी सफलता प्राप्त की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यापार से जुड़ने वाले किसी एक व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कारण लोगों के बीच इसका विश्वास बढ़ता गया और सफलताओं की चोटियों को छूता गया। इसकी इस कामयाबी को ताकने वाली बड़ी कंपनियों के होश उड़ गए। पिछले 12 सालों से वेस्टिज लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और सफलता भी इतनी जितनी दुनिया में किसी और कंपनी में नहीं। साल भर साल 135% की वृद्धि दर। इस निरंतर बढ़त से व्यापार जगत की नामी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, आईबीएम भी अचंभे में है। कामयाबी की इस रफ्तार को देखकर वे आश्चर्यचकित हैं। आज ये कंपनी अपने 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 40 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, 50 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस और 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा वेस्टिज में हर महीने लगभग 70 से 80 हजार नए डिस्ट्रीब्यूटर्स विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं। बड़े गौरव की बात है कि विश्व भर में अपने बिजनेस को फैलाने के उद्देश्य से अभी दुबई और नेपाल में कदम रखा है। वेस्टिज अब एक बहुउद्देशीय कंपनी बन गई है। हमें उम्मीद है कि 2018 से पहले करीब 20 देशों में और 2024 तक लगभग 50 देशों में अपने व्यापार को फैला लेगी। इस तरह वेस्टिज अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक आदर्श बन जाएगी। इस कंपनी का अपना 75,000 वर्ग फुट का मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जिसमें 3 फैक्ट्रियां, R&D सेंटर और अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं। आज इस कंपनी में 1,000 से अधिक लोग हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और 1,500 से अधिक लोगों ने कारें अचीव की हैं। कार अचीव करने वालों में 70 से अधिक लोग दुनिया की बेहतरीन लग्जरी कारें जैसे BMW, बेंस, ऑडी, वॉल्वो, जैगुआर और रेंज रोवर में गर्व से सवारी करते हैं। वेस्टिज ने वो असाधारण कार्य कर दिखाया जो भारत में नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली किसी भी भारतीय या बहुउद्देशीय कंपनी ने पिछले 20 सालों में नहीं किया। किसी ने भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की सफलता के प्रचार में इतना योगदान नहीं किया जैसा कि इन्होंने एक कार बुक रिलीज की, जिसमें कार जीतने वालों की फोटो उनकी कार के साथ छपी है, जो उनकी कामयाबी की कहानी बयां करती है। सिर्फ एक भारतीय कंपनी वेस्टिज ने इसे सार्थक किया। क्या कारण है कि पिछले 20 सालों में किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने वेस्टिज के जितनी सफलता नहीं प्राप्त की? वेस्टिज ने यह कैसे किया? नो ज्वाइनिंग फीस, नो रिन्यूअल। सामान्य व्यक्ति के रोज इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रोडक्ट्स, उदाहरण के तौर पर हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, कंस्यूमेबल्स, प्रीमियम स्किन केयर, ओरल केयर, ट्रूमैन प्रोडक्ट्स खास तौर से पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए कलर कॉस्मेटिक्स और एग्री केयर। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स महंगे ही होते हैं। इस तथ्य को तोड़कर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को आम आदमी के खरीदने की क्षमता के दायरे में दिया। बिजनेस टारगेट पूरा करने के लिए क्यूमुलेटिव स्कीम, जो कि बहुत सरल है। इसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड बिजनेस के रॉयल्टी का 40% का लाभ और संगठन के उच्च अधिकारियों की अच्छी नीयत के कारणों से ये महान सफलता संभव हो पाई है, और वेस्टिज से जुड़े लोग भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार करने के इस अद्भुत तरीके को, जिसे आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में सन 2009 में श्री R.S. राजन जी ने एक प्रबल बीज के रूप में शुरुआत की और सामान्य व्यक्ति के कॉम्प्रोमाइज्ड जिंदगी को बदल दिया। यही नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बदल दिया।
समाज में इस महान योगदान के लिए अमेरिका के वर्ल्ड तमिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित करने के लिए श्री आर एस राजन जी को विश्व प्रसिद्ध डॉक्टरेट की उपाधि से गौरवान्वित किया है। एक साधारण व्यक्ति भी थोड़े ईमानदार परिश्रम और सही दिशा में कोशिश करके जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है और इसका एक ही मार्ग है वेस्टीज। वेस्टीज विश यू वेल्थ।